ਚੋਂਗਾ ਦਾ ਫੰਗਿਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਦੁਲਨ ਦੀ ਥੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇ ਲੇਟਣੇ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ हाँ भाई आदिल आपके क्या है फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए। तो यार अभी ये पेट्रोल वगैरह डलवा रहा और हम यहाँ पे आए हैं कोई जूस वगैरह देखते हैं उसे भी पिला दें कोई जूस शूस और ख़ुद भी देखते हैं कि क्या पीते हैं क्या नहीं। दो ये उठा देते हैं और एक और ये यार इस बंदे ने पैसे नहीं पे करने दिए कहते मैं पे करूंगा खुद ही। अब देखो समी समी कौन है ये कह रहा है कि आप हमारे दोस्त हो और पैसे सिर्फ मैं ही पे करूंगा। बहुत यार बहुत फ्रेंडली है ये बहुत ज़्यादा हम हाउ द फंगियो तो यार हम यहाँ पे लोकेशन पे पहुँचे हैं तो इन्हें ना खुद को भूख लगी हुई थी ज़्यादा तो इन्होंने हमारे लिए ना ये यांग्रो मियन मंगवाया है। ये कह रहे हैं कि ख्वाहिश से खाना है। एक ये वाला बंदा है हमारा दोस्त और ये वाला बंदा है। ये तीसरा भी आ गया अब ये देखते हैं कैसे खाना है। यार हमने ना इधर मटन बर्गर्स खाए हैं बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट थे। इन्होंने ना हमसे गाड़ी में पूछा भी था कि तुमने उसमें मिर्ची वगैरह खानी है कि नहीं लेकिन हमारे साथ जो आदिल साहब है ना उन्होंने कहा है कि हम तो आदल आ जाओ बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल देने इसके अंदर वहाँ से गर्म पानी पीने के लिए। तो मैंने ना बेशर्मों की तरह कह दिया कि भाई मुझे ना कोला चाहिए कोला चाहिए तो फिर वो ना पेप्सी उठा के ले आए साथ में पेप्सी दी। शर्म तो बहुत आ गया लेकिन कच्ची मिर्ची ने जो ऊपर डाल दी मियन के ऊपर। अभी आगे देखते हैं कितना एंजॉय होता है इधर क्या बोलते घर जाएंगे दोस्त के लिए। तो यार यहाँ पे हम पहुंच गए ये है इधर इनका घर बहुत खुश है भाई आदिल बहुत यार ऊपर है ये देखो
आदिल बेचारा यहाँ पे आके भी कुकिंग कर रहा है। उसने कहा है कि इसे गोश्त काट के दे मुस्लिम तरीके से। अब ये छोटा छोटा पहले इसकी चर्बी उतारेगा, फिर गोश्त बना के देगा उन्हें। ये हमारे पास चाइनीज बच्चे खड़े हैं गपलू गपलू से, प्यारे प्यारे। ये हमारा वो है दोस्त है रेस्टोरेंट वाला जिसने हमें बुलाया इधर। गाली तो ना दे यार, म्यूट कैसे करूंगा पूरी वॉइस। वो दे, ये बच्चा बहुत बहुत ज्यादा हरामी है ये बच्चा। वो दे यार, ये सब्जी वगैरह सारी काट ली है और गोश्त भी सारा कट गया, धो भी लिया। अब ये सिरका वगैरह डालना है इसके अंदर सारा, और ये इन्होंने अपना सारा खानदान इकट्ठा कर लिया माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, ऐसे ही बुलाते रहे हमें ये इधर। तो हम इन्हें आज मिर्चों वाला खाना खिलाएंगे, देखते हैं इनका क्या बनता है आज। मौलवी एक एक बोटी पे हाथ मार अच्छी तरह। यार ये इधर अब हमने ना ये जो सालन है यहाँ पे लगा दिया इसके ऊपर, और अब ये देख लें सारा बहुत सारे चाइनीज पीपल हैं इधर भाई। इन्होंने पूरा खानदान अपना इकट्ठा कर लिया है। स्नैपचैट का डबल कैमरा जिंदाबाद। तो यार अल्लाह अल्लाह करके ना हमारा बीफ पहले तो गल ही नहीं रहा, अब गला है। तो इस अंकल को ना बेचारे को बहुत भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, हमें बार बार कह रहा था कितनी देर है कितनी देर है। तो फाइनली रेडी हो गया, आदिल ने पानी डाल दिया। वो शाम को 6 बजे 7 बजे तक खाना खा लेते हैं और हमने तकरीबन 8:30 बजा दिए हैं, और इनके सोने का टाइम हो गया और हमारी कुकिंग चल रही है, और हमने इन्हें बताया कि हम तकरीबन 9-10 बजे तक यूजली खाना खाते हैं। और इसी वजह से कह रहा था कि मुझे भूख लग रही है, जल्दी करो जल्दी करो। बेचारा पेट पे हाथ मार मार तंग आ गया। हाँ ना, अब ये सारे इकट्ठे होंगे, इन सबको टेस्ट करवाएंगे हमने बीफ कैसा बनाया, क्योंकि ये कह रहे थे ये ज्यादा ना रीन स्टोर ना स्लाइस बीफ बनाते हैं, लेकिन हमने करी टाइप बनाया है। तो अब ये देखेंगे कैसा बना कैसा नहीं। तो यार हमने खाना वगैरह खा लिया है, अभी हमें कह रहे हैं चलो ना खाना हजम करने चलते हैं। हम समझाइए हमें पैदल लेके जाएंगे, इन्होंने जनाब और उन्होंने जनाब गाड़ियां निकाल ली हैं। आदिल साहब डर रहे हैं कहीं ये ठोक ठाक ना दे, क्योंकि रास्ते बड़े खराब है यार, बिल्कुल पाकिस्तान जैसे नॉर्दर्न एरियाज में है ना सारे रास्ते। अब देखते हैं क्योंकि इधर यार रास्ते बड़े खतरनाक है, ये देखा बेचारा गाड़ी पता नहीं कैसे बैक करेगा। ये अब दूसरा बंदा बैक कर रहा है, वो एक ने कर ली है, एक मोटरसाइकिल काट लिया है, और एक बंदा ये बाइक पे आ गया। बंदा यार बंदी है पता नहीं क्या है, ये छोटा सा बच्चा है। इस बंदे का हमारी यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर ना रेस्टोरेंट है, चावल वगैरह का, नूडल्स वगैरह। और भाई साहब ने BMW रखी हुई है, रेस्टोरेंट चला के। पाकिस्तान वाले कहते हैं ये काम छोटा है, ये काम छोटा है। भाई छोटे काम से भी आप बहुत कुछ बना सकते हो। तो यार अभी है ना हमें अपने एक दोस्त के घर ले आए यहाँ पे, उसने ना घर में छोटा सा ना KTV टाइप बनाया हुआ, बड़ा माहौल था, मतलब गाने शाने लगे हुए हैं इधर, और सामने माइक शाइक रखे हैं टेबल पे, बाकी बड़ा प्यारा माहौल है। और हमें कह रहे हैं गाना गाओ चाहिए, हमें अपने गाने ना आए जल्दी, काशी गाएगा गाना अभी यहाँ पे।刚刚那个安可说，等一下你唱你们的歌，给他听一下。哦，就是唱你们家你们那边的。我们不唱歌。啊？我不唱歌。不唱歌。哎，可以。我听。可以听啊。对。我们就是。我们不会唱那个。
शुंदी शुंदी तो चार दिन से शुंदी तो 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 ये हमारा दोस्त है जो गाना गा रहा है जिसके पास हम आए हैं इधर यार यहाँ से हो गए हैं फ्री, बस अभी जाके सोते हैं, फिर कल सुबह उठ के देखेंगे क्या करना और कहाँ जाना वगैरह। वहाँ पे इनके वार्मर वगैरह लगे हुए, नई रजाइयां हैं, जिस तरह पकाने के लिए बर्तन हर चीज नए थे ना, उसी तरह रजाइयां भी नई है। ये आदिल है, ये आदिल ने भाई वार्मर चला लिया है। इसके साथ भी बेचारे जगह है किसी के लेटने की, लेकिन कोई नहीं है इसके साथ। वीडियो कॉल आनी है किसी की, इसलिए भाई हमसे अलग सो रहा है। क्या कह सकते हैं भाई, चलो ठीक है भाई आदिल।